कैसी कैसा संयोग है कि विसाखी ते बाबा साहब दा जन्मदिन कट्ठे आए ने। मैं बहुत पढ़ता रहना बाबा साहब बारे, वैसे तो मैं बहुत किताबा पढ़ता बाबा साहब बारे, बहुत कुछ पढ़िया। जिहड़े बंदे बहुत ही थल्लों उठे है उन्हां बारे मैनूं पढ़न दा शौक है। बाबा साहब कोले पैसे खत्म हो गए सीगे, उन्हूं विदेश वाली पढ़ाई छड्डणी पै गई सी, फिर वापस आए, फिर पैसे कमाए, फिर दोबारा विदेश पढ़न गए। छे छे डॉक्टरेट दियां डिग्रियां ने, छे छे संविधान लिखिया। पार्लीमेंट दे विच एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम दे विच एक एक उहदे विच कमरा है, उहदा नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, कौन कौन बैठे थे? बाबा साहब बैठे ने, बाकी होर भी बैठे ने, ईवन उन्होंने सिक्योरिटी गार्डां दी भी फोटो लगिया हुई ने। आ जिहड़े पुलिस वाले, आ जिहड़े SSP साहब, DC साहब, मैं उन्होंने सारे नूं कहा, मैं क्या अज तो 50 साल बाद जे तुसीं चंगा काम करोगे तुहाडियां फोटो भी लगनगियां कि इन्होंने पंजाब ठीक किया सी। सो बाबा साहब पछड़े हुए लोगों के, गरीबां के मसीहे सी। एक गल नोट करियो, जेड़े दौर च जेड़ा बंदा मशहूर हो जांदा है, मापे अपने बच्चे का नाम उस बंदे दे नाम ते रखन लग जांदे ने। मेरे अपने पिंड 4-5 बच्चों के नाम भीम है, भीम सिंह है, भीम है, क्योंकि उन्होंने मापिया ने सोचा होना कि भीम राव अंबेदकर के नाम ते रखना। बहुत सारे बच्चों के नाम मार्टिन, बहुत सारे बच्चों के नाम किंग लूथर के नाम ते रखे गए, वह भी गरीबों के मसीह। सो संविधान नूं बचाउण दी लोड़ है। इस वक्त छेड़छाड़ हो रही है संविधान नाल, पर बचाउण दी लोड़ है। एक मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिना, ध्यान नाल सुन लिओ। सोने ने लोहे नूं कहा, सोने ने, सोने की दुकान ते लोहे की दुकान आमो सामने सी, तो सोने ने लोहे नूं कहा कि थौड़ा तेरे भी वजदा है, थौड़ा मेरे भी वजदा है, पर लोहा रौला क्यों पाउंदा इन्ना? अद्धे पिंड च तू सुणदा हुन्ना यार जदों तेरे थौड़ा वजदा है, ते मेरी आवाज़ कदे दुकान तो बाहर गई है? थौड़ा मेरे भी वजदा, थौड़ा तेरे भी वजदा। तो लोहे ने बहुत ही कमाल की गल कही, कहिंदा मैं मानदा, मैं बहुत शोर मचाउना जदों मेरे थौड़ा वजदा, तेरी आवाज़ ही नहीं आउंदी, पर सोना जी तैनूं बगाने कुटदे है, तेरे लोहे की थौड़ी वजदी है। बगानिया ने तो कुटना ही हुंदा है, बगानिया तो उम्मीद की कर लोगे तुसीं, बगानिया ने तो थोनू कुटना ही हुंदा है, मेरा रौला ये गल दा है, मैनू दुख इस गल दा ज्यादा है, मैनू मेरे अपने कुटदे है। साडे संविधान नू साडे वालियां तो ही खतरा है, कोई अंग्रेज नहीं बदल रहे, बाबा साहब दे लिखे हुए संविधान नू साडे वालियां तो ही खतरा है। संविधान बचाउणा, संविधान बचिया तो देश बचू। अनाल इथों मैनू लगता नहीं 100 किलोमीटर होगा,
नाल दा मुल्क आजाद एक दिन पहला होया सी, वो 14 नूं होए सी, आपां 15 अगस्त नूं होए सी, पर की हालत है उत्थे? संविधान है नहीं, कोई संविधानिक संस्था है नहीं, ना किसी की इलेक्शन कमीशन की चलती है, ना किसी विजिलेंस की चलती है, ना कोई सीबीआई की, कुछ किसी की नहीं चलती। इस करके उत्थे हजे तक डेमोक्रेसी नहीं आई। एक गल नोट कर लियो, पाकिस्तान दे विच कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर रहिंदा नहीं। की कहा मैं? एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान च रहिंदा नहीं। जां तां तुहानूं मुल्क छड्डना पऊ जां मार दिंदे बस। परवेज मुशरफ ते नवाज शरीफ बाहर रहिंदे आ, उदू बिना सारे खत्म। इमरान खान दा पता नहीं की होऊगा। चलो आपां, मेरा मतलब यह है कि डेमोक्रेसी नहीं हैगी उत्थे। ते डेमोक्रेसी किने दित्ती? बाबा साहब ने, कि चुनो जी आपदे लोग, आपदे बंदे चुनो। इन्हां चों आज आ बैठे ने, इन्हां चों थानू लगता कोई भी जिहड़ा फलाने नूं हरा सकदा सी? थानू लगता कि प्रकाश सिंह बादल हार सकदा सी? उहदा मुंडा हार सकदा सी, उहनां दा प्राउणा हार सकदा सी, मुंडे दा साला हार सकदा सी, भतीजा हार सकदा सी? क्यों हारे हो? संविधान ने लोकां नूं मौका दिता कि जिहनूं मर्जी हरा दो, जिहड़ा नहीं चंगा लगदा हरा दो। असीं भी संविधानिक तरीके नाल चुने होए, संविधान की सहुं चुकदे हां असीं, कि असीं संविधान मुताबक हरेक नाल इंसाफ करांगे। उह सहुं चुक के मुकर जांदे आ, कल्ली संविधान की नहीं, वह तो गुटका साहब की सहुं चुक के मुकर जांदे आ। ते कित्थे गए हुण फिर? वह कित्थे ने हुण? वह कई बारी थले वालियां कचहरियां चो बंदा बरी हो जांदा, वकील वड्डे कर लैंदा, गवाहां नूं मुकरा लैंदा, पर परमात्मा वाली कचहरी च उत्थे अमलां दे हुंदे ने नबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछणी। उस परमात्मा दी कचहरी तो डरीए, डरीए बस, वक्त तो डरीए। वक्त बहुत वड्डी चीज है जी। ये जिहड़ा वक्त है, ये राजां दे सिर ते, ये जिहड़ा वक्त है, ये भिखारियां दे सिर ते मुक्त चेंज कर दिंदा जी। राजां नूं भिखारी बना दिंदा वक्त, भिखारियां दे सिर ते ताज टिका दिंदा वक्त। रब तो डर के रहिए बस। मैं साढ़े MLA साहिबान नूं भी कहूँगा, बड़ी वधिया तरीके नाल जितते हो, 50,000 ते जितते हो, 80,000 ते जितते हो, पर जिन्हां ने तुहानूं नहीं भी वोटां पाईआं उन्हां दे भी MLA आपाईआं। कोई इहदे च दरियात नहीं करनी कि इस गली चो वोटां नहीं पईआं, चार पुलियां ही पट दो, लै पवा लो फिर उन्हां तों जी लवा लो ना। वह लंघ गया टाइम, लोगों ने चुन लिया, लोगों नूं खुशी है कि साडा अपना जवाक, साडा अपना पुत, साडा अपना भतीजा, साडा छोटा भाई, साडा वड्डा भाई मुख्यमंत्री बन गया। लोगों नूं हरेक पंजाब दे हरेक घर नूं इह लग रहा है कि साडा घर मुख्यमंत्री दा घर है। सो बाबा साहब दे सुपनिआं नूं पूरा करन लई जो करना पिया करांगे। उन्हां दे नां ते यूनिवर्सिटी, उन्हां दे नां ते कोर्सिज शुरू करांगे, जेड़े मैनू दित्ते आ अज MLA साहब ने। जलंधर नूं तां मैं वैसे ही बहुत प्यार करदा, क्योंकि मैं ना
मैं घरद्या नूं बिना दसे पहली बार जलंधर दूरदर्शन ते गाना गाउण आ गया सी। जवां तरंग एक जवां तरंग प्रोग्राम चलदा सी। मेरा दिल करदा सी घर दे लो नहीं करदे सी। आ गया फिर मैं आता मैं गया गाना गुणा तो नहीं मेथों गवाया उन्होंने पर मैनू पंगा जान वेले पिया भी हुण कित्थे जाऊंगा। गुरु नानक मिशन हस्पताल दे विच गुरुद्वारा साहब भी है उत्थे रात कट्टी सी मैं। अगले दिन सवेरे फिर मैं जलंधरों बस चढ़ गया। गाना तो नहीं मैथों गवाया उन्होंने दूरदर्शन वाले ने। बाद च मैं दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्राम किए पर जलंधर जेड़ा शहर है इतिहासिक शहर है पीएपी इत्थे है स्पोर्ट्स इत्थे है संसारपुर मिठापुर हाकी तो मतलब जलंधर तो बिना जे जलंधर नूं कढ़ दी आपां तां हाकी है नहीं इंडिया की तां बहुत वड्डी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर च बनूगी। इंग्लैंड दे हाई कमिशन मिलकर आए सी मिलन वो कहिंदे असी तीन हुण तक लंडन ने तीन ओलंपिक होस्ट कीतियां ने कहिंदे साडे कोले बहुत सोहणियां सोहणियां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने। मैं कहा जी तुसीं साडी हैल्प कर दो। कहिंदे जी असी उत्थों एक्सपर्ट भेजांगे ते जलंधर दे विच तुहाडा हरभजन सिंह तुहाडा असी राजसभा दे विच लिया कि जलंधर नूं स्पोर्ट्स हब बनाईए। जलंधर दीआं फुटबॉलां नाल वर्ल्ड कप च गोल हुंदे ने जलंधर दे बैटां नाल वर्ल्ड कप च छक्के लगदे ने जलंधर दीआं बॉलां नाल वड्डे वड्डे बैट्समैन क्लीन बोल्ड हुंदे ने। सो जलंधर जिहड़ा उस स्पोर्ट्स की हब बनाउणी है बनाउणी है बनाउणी है। थैंक यू वेरी मच।